गाइज हम यहाँ पहुँच तो चुके हैं, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे आप भी आते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, एंड आप बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होगा। हम चलेंगे आगे तक, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का कैंप लगा हुआ, तो वहाँ पे कई सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को पूछ भी सकते हो, आपको सब ए टू जेड पूरी जानकारी भी देंगे। यहाँ पर आपको भव्य दरवाजा नजर आ जाता है, इसके जस्ट साइड में इधर की तरफ यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन। इस परिसर में आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे से करवा सकते हो। सामने बहुत सारे यहाँ पे काउंटर लगे हैं, वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हम आ चुके हैं खता सुनने के लिए। तो ये बड़ा सारा जो परिसर है खता सुनने का होगा। हम यहाँ खता सुनते हैं, फिर जाएंगे रूम के ऊपर। हमें जो बैग दिया है, जो कुछ एसेसरीज भी दी है, उनको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, और आगे जो आने वाली वीडियो होंगे उनमें हम कम्प्लीटली और भी जानकारी आपको देंगे। देख करके मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ। देश के विभिन्न जगहों पे, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कार्यक्रम यहाँ पे लाइव प्रसारित हो रहा है। दोस्तों पूरी तरह से निःशब्द हूँ मैं। पीछे की तरफ मैं आया मूर्ति के यहाँ पर, तो मूर्ति को देख करके मैं निःशब्द हो गया। मूर्ति शब्द कहना इसके लिए छोटा होगा, प्रतिमा स्टैच्यू ये शब्द इसके लिए परफेक्ट रहेगा। इतनी बड़ी है। और यहाँ पर अगर आगे की तरफ देखो तो ये पांडाल जो लगा हुआ इतना बड़ा 1 किलोमीटर के जितना लंबा है और करीब 500-600 फीट चौड़ा है। तो मैं इसमें इतनी करीब 17,000 के समथिंग यहाँ पे लोग है, इतना क्राउड है यहाँ पर। इतनी तगड़ी व्यवस्था को किस तरह से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है ये देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती है। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद में हमें हमारे को एक बैग दिया गया है। इस बैग के अंदर क्या चीजें होगी कम्प्लीटली बात करेंगे। एक बॉक्स भी दिया हुआ है, कुछ कह सकते हैं कि एक गिफ्ट के तौर पे हमें दिया गया है। तो हम इनको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको, तो टेंट में चल करके पूरी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बैग को यहाँ पे रख दिया। अब गाइज इसमें से हम एक एक चीज़ बताते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं। पहले तो आप देख सकते हो कि हमारे को जो चीजें दी गई थी, ये बहुत प्यारा सा बैग दिया है। करीब इसमें 10-15 लीटर का आराम से इसमें स्पेस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे प्यारी सी तस्वीर दी हुई है, यहाँ पे जो विश्वास स्वरूपम की यहाँ पे चीजें दी गई है। अंदर की तरफ क्या होंगे, यहाँ पे जो स्लिप हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसकी हमारे यहाँ डिटेल मिल जाएगी आपको कम्प्लीटली। पीछे की तरफ यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेच्यू उसके आस पास आप कहाँ घूमते हो उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, बाई मैप मिल जाती है, नक्शे के आधार पर आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर क्या है कि किसी अन्य पर्सन को अलावा नहीं होता, तो हमारा जो टेंट है ना सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पे पास दिए हुए हैं, तो ये पास भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 2 पास मिलते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक मिलती है इसमें शील्ड जो काफी बड़ी है। तस्वीर के जैसे आप लगा सकते हो आइडिया कि मेरी जो बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी होगी, करीब 1.5 फीट के समथिंग इसकी लंबाई है। तो हम इसको खोल करके देखेंगे कैसी यह रहने वाली है। आई होप इसमें मेरे हिसाब से जो ये स्टेच्यू दी हुई है, जो मूर्ति प्रतिमा दी हुई है, वही इसमें होने वाली है। गजब तरीके की इसमें तस्वीर निकल करके आती है। जो इसका मोमेंटो है यहाँ पे, जो तस्वीर दी है भगवान शिव की, काफी अद्भुत है। देख सकते हो आप, आपके सामने की कितनी गजब तरीके की है। यहाँ पूरा के पूरा यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पर भी ये प्रतिमाएं पूरी ग्लास की बनी हुई है, काफी मोटाई में है, यहाँ पे भी काफी मोटाई में है, और इधर की तरफ यहाँ पे पूरा ब्लैंक रह जाता है। गाइज ये चीज है ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, और मेरे मन में थी कि मैं इस चीज को लेकर के जाऊँ। जो प्रतिमा है ना ये वाली चीज बहुत शानदार, यहाँ पर मुरारी जी बापू जी है ही, और यहाँ पर लिख भी रखा है यहाँ पे विश्व की आदित्य शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम लोकार्पणार्थ मुरारी बापू की द्वारा रामकथा का जो आयोजन हो रहा है वो नाथ द्वारा में दिनांक इतनी तारीख से, यानी कि 29 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक होने वाला है। अगर आप वीडियो 6 तारीख से पहले देख लिए हो तो यहाँ पे पहुंच जाना, हर एक वीडियो आपको मैं बताता रहूंगा। ये हमारे को मिला है इसमें गाइज, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं और दिल से हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जो एक प्रेम दिया है, प्यार दिया है इन्होंने, एक सम्मान, हमें सम्मान के तौर पे ये चीजें दी है, हम इनको स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले मदन जी को एंड उनकी सारी टीम को, साथ ही ईश्वर का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें इस जगह पे यहाँ पे आने का मौका दिया। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर आप कमेंट जरूर करके जाना।
ऐसे ही और वीडियोज में यहाँ पर रहने वाला हूँ 5-10 दिन तक, तो जहाँ के आपको वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, एक एक चीज की आप यहाँ वीडियो जानकारी मिलेगी। आपके कौन से क्वेश्चन वगैरह है सब आप यहाँ पे कमेंट में डालिए, सबकी जानकारी मैं A to Z आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बाय फेस, बाय नॉर्मल या जैसे भी होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।